वो जो गलतियां मैंने की नच में उसको मैं सुधारने के लिए आया हूँ। दिव्यांका ने मुझे बताया कि आप नींद में डांस कर रहे हो। तो मेरे साथ है विवेक दहिया, जो काफ़ी रंगीन अंदाज में आज मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि झलक पर काफ़ी रंग दिखने वाले हैं। क्या आपने लिंक किया है रंगीन और रंग को, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही कहा आपने। कोशिश यही रहेगी कि हर एक्ट में मैं रंगीन दिखूं, और रंगीन से कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मैं हर एक्ट में अलग दिखने की कोशिश करूँगा। आपको लगेगा नहीं कि आप ये उसी विवेक दहिया को देख रहे हैं जिससे आप इतने सालों तक देखते आए हैं, अगर आप मुझे जानते हैं तो। बट या द आइडिया इज़ टू एक्सेप्ट चैलेंजेस एंड डू समथिंग न्यू एवरी टाइम। पहली बात तो विवेक दहिया को कौन नहीं जानता है, मुझे यही बता दो आप। मैं नहीं जानते, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे शायद ना जाने, लेकिन ये वादा है कि झलक के ख़त्म होते होते तक सब लोग जान जाएंगे। डांस हम देखेंगे, लेकिन फैशन की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आप हमारे प्रेस मीट पर काफ़ी फैशनेबल और बहुत अलग दिख रहे हैं, तो ये जो जलवा दिखने वाला है, डांस देखना है 100%, बट ये लुक का डिसीजन कैसा रहेगा और किस तरह से स्टाइल करेंगे खुद को? मेरा जो स्टाइल है वो थोड़ा सा यंग स्पेस में रहता है। पहले एक दौर था तो मैं बेसिकली कॉरपोरेट से आता हूँ। मैं पहले एक्टर बनने से पहले मैं जॉब करता था, तो मुझे मेरा जो अंदाज़ था वो वैसा ही था, एक यू नो प्रॉपर शर्ट, पूरे कफ के साथ, आपका ये बटनड अप, यू नो साइड पार्टिंग, सो वो सब रहता था। तो माय वाइफ, आफ्टर वी गॉट मैरिड, मेरी वाइफ ने ना मेरे पीछे पढ़ पढ़ के कि व्हाई डू यू लुक सो मैच्योर, यू आर नॉट दैट ओल्ड, स्टॉप लुकिंग सो ओल्ड। मैंने कहा बट दिस इज़ स्मार्ट, What's wrong with you? तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी हद तक उन्होंने पीछे पढ़ पढ़ के करवाया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है। बट एक चीज़ है जो मुझे शुरू से पसंद है, फैशन। आई लाइक ड्रेसिंग अप, आई लाइक गुड क्लोथ्स, आई लाइक गुड ब्रांड्स, आई लाइक टू ट्रैवल एंड शॉप। तो आई थिंक वो एक परफेक्ट जो मिश्रण होता है ना, दिव्यांका ने मुझे वो थोड़ा सा यंग स्पेस में डाला, और फिर ये सारी चीज़ें मुझे, वैसे ही शौक था मुझे खरीदने का, तो अब मुझे मज़ा आ रहा है। दिस इज़ गुड एंड इट्स ब्रीजी, इट्स ईजी, यू नो ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो। अब आजकल का जो फैशन है वो थोड़ा सा कोविड के बाद में काफ़ी हालात चेंज हो गए हैं, सब जीन्स पहनने में सबको थोड़ा सा ये होता है, टाइट टाइट जीन्स, टाइट टाइट कपड़े नहीं अच्छे लगते हैं, अभी सबको ईजी कपड़े अच्छे पसंद लगते हैं। हाँ, आजकल देखिए अभी सबसे ज़्यादा क्वाड सेट्स का ज़माना चल रहा है, यू नो जो बहुत कोरियन स्टाइल क्वाड सेट्स होता है वो चलता है, या ऐसे जो सैटिन शर्ट्स होते हैं ये बहुत चल रहे हैं, सो एंड आई रियली एंजॉय देम। सो विवेक इस फैंटास्टिक लुक के पीछे जो हैं वो हैं दिव्यांका, टू अ लार्ज डिग्री, यस। हाउ इज गोइंग विद झलक, प्रैक्टिस कैसे चल रही है? थोड़ी चोटे मोटे तो मुझे दिख रही है, बट कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने जब लास्ट एक डांस रियलिटी शो किया था उसके बाद मैं वो वाला जो दौर था वो निकल गया था उसके बाद, लेकिन मैं बहुत मिस करता था उस टाइम पीरियड को। मुझे लगता था अरे यार मैं ये वाला एक्ट अच्छे से कर सकता था, इसको और इम्प्रूव कर सकता था। वो जो परफॉर्मेंस जब देखते हो ना आप सालों बाद, अरे मेरी लाइंस यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, ये मैं यहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं किया, यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किया, तो वो जो गलतियाँ मैंने की नच में उसको मैं सुधारने के लिए आया हूँ, और मुझे अब और भी अच्छा डांसर बनना है। मुझे एक अपनी एक जर्नी, यू नो प्रायर बिफोर नच एंड आफ्टर नच की एक अलग से जर्नी बनानी है, कि अब मैं झलक पे आके कैसे इवॉल्व होता हूँ एज अ डांसर। आई वांट टू वर्क ऑन दैट। कैसे कैसे फॉर्म्स में चेंज आए विवेक, हाउ डू यू सी लाइक डांस फॉर्म जो तब हुआ करते थे और अब, लाइक कोरियन का बहुत शौक चल पड़ा है लोगों के बीच में। हाँ, कोरियन है और एक्चुअली इंटरनेशनल डांसेस सारे, जो झलक जहाँ से बेसिकली डांसिंग विद द स्टार्स में आप देखेंगे क्या अद्भुत परफॉर्मेंसेज हैं, क्या मतलब फ्लूइडिटी के साथ लोग नाचते हैं। मेरी कोशिश ये, मैं हर दिन हर रात एक डांस परफॉर्मेंस डांसिंग विद द स्टार्स या हमारे झलक का पुराना कोई सीज़न का मैं एक दो परफॉर्मेंसेज देख के सोता हूँ कि कहीं उनका कुछ आ जाए, बस सोते सोते मेरी बॉडी के अंदर आ जाए। और बहुत फ़नी चीज़ें हो रही है, शुरू के 3-4 दिन तो ऐसा हो रहा था कि दिव्यांका ने मुझे बताया कि आप नींद में डांस कर रहे हो। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, ये नच के टाइम पे भी होता था, वो मुझे बोलती थी कि वो ना मैं
लेटे लेटे ना ऐसे हाथ चलाता था ऐसे झटके से, तो वो मेरा हाथ पकड़ती थी, हाथ पकड़ लेती थी, कभी पैर पकड़। अच्छा, आई एम अ डीप स्लीपर, तो मैं जब सो जाता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता, तो अगर वो पकड़ के ऐसे मेरा हाथ तोड़ भी देगी ना, नहीं शायद तोड़ देगी तो पता चल जाएगा, लेकिन ऐसे स्ट्रांगली पकड़ भी लेगी ना तो मुझे पता नहीं चलेगा। शी इज़ अ लाइट स्लीपर, तो मैं जब ऐसे हाथ पैर मारता था ना तो उड़ जाती थी, तो कहती थी इसको कंट्रोल करो यार। तो ये उन सालों की बात है और अब वापस से स्टार्ट हो गया है। तो शायद मैं सोते सोते सबकॉन्शियस माइंड में मैं कोरियोग्राफी मेरी चल रही होती है रात को, तो वो बेचारी थोड़ी परेशान है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मुझे बोलेगी दूसरे बिस्तर पे सो। कवच वाली फीलिंग आती है, काश कोई सुपरनेचुरल पावर मिल जाती तो मैं सब ले लेता। मतलब वो तो कमाल हो जाता, नहीं अगर आप में सुपरनेचुरल पावर है, लेकिन बताना नहीं किसी को, फिनाले तक, फिनाले के बाद बताओ। फिनाले के बाद पर डेज समथिंग। चलो बढ़िया है, और बताओ दिव्यांका, मतलब ये सेट पर तो रिहर्सल होता है, घर में सोने वाला नहीं, बट जब आप जगह रहते हो तो घर में भी प्रैक्टिस होती है? नहीं नहीं, घर में प्रैक्टिस नहीं होती है। घर में तो मैं मुझे ख़राब लगता है कि मैं घर पहुंचता हूं और दिव्यांका का ऑलमोस्ट सोने का टाइम हो जाता है, तो मैं टाइम ज़्यादा स्पेंड कर नहीं पा रहा हूं, तो बहुत थोड़ा टाइम होता है, तो अगर उसमें भी आकर मैं आके परफॉर्मेंस तो मेरा भोरिया बिस्तर मतलब फिर भारी लगने वाला। फिर वो जो स्टूडियो है जहाँ पे हमें रिहर्सल, मैं शायद वहीं पे सोया करूँगा, क्योंकि बीवी तो निकाल देगी घर से। जो आपकी कॉर्पोरेट लाइफ थी और अभी एक्टिंग लाइफ, कौन सा ज़्यादा मज़ेदार? कभी ऐसा मन हुआ कि वापस चलें ऑफिस? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हाँ, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और हर दिन नया होता है, यू नो, एक्साइटमेंट है, क्रिएटिविटी है, अलग अलग लोग हैं, उनकी एनर्जी है, उनकी वाइब है, इतनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है हर दिन, इतने सारे पैशनेट लोगों से मैं मिलता हूँ जो फुल ऑफ आइडियाज़ हैं, यू नो, सो इट्स वेरी ब्राइट, इट्स वेरी, इट्स ब्यूटिफुल, दिस वर्ल्ड इज़ ब्यूटिफुल। सो मतलब अगर मैं 10 साल पीछे जाऊं और गिवन अ चॉइस, मुझे अगर कोई बोले कि तो वापस से शुरू करते हैं और अब बताओ कि आप क्या करना चाहोगे, तो मैं कहूँगा कि मैं शायद मैं अगले 7 जन्मों तक यही करना चाहूँगा, बी एन आर्टिस्ट ऑफ सम काइंड, इफ़ नॉट एन एक्टर देन बी अनदर फॉर्म ऑफ आर्टिस्ट, बट स्टिक टू आर्ट। डांसिंग की बात कर रहे हैं, बट मैं आपको देखती हूँ कि आपके सोशल मीडिया पर इतने अच्छे अच्छे अपडेट्स होते हैं जो आपके अलग अलग टैलेंट को दिखाते हैं। आपका फिटनेस तो लोग आपको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, आपका ट्रैवल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स स्टार्ट विद फिटनेस। हाँ जी, तो ये बताइए कितना टाइम, और आप झलक के बाद कितना टाइम दे पाएंगे? तो मैं देता हूँ, मतलब करीबन 1 घंटा मैं अभी भी देता हूँ अपना, चाहे वो जिम है चाहे वो वर्कआउट है, वो हो जाता है, मैनेज कर लेते हैं, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो सब हो जाता है। तो गुड लुक होना कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि, और उसके हिसाब से आप फिटनेस पे ध्यान देते हैं या आपके अंदर वो पैशन है कि, होता है ना कि एक मिस होता है, अगर आपने सुबह वर्कआउट नहीं किया, योगा नहीं किया, अगर आप करते हैं तो वो दिन भर एक दिमाग में रहता है कि आज मैंने कुछ मिस किया। करेक्ट, तो नहीं, ये गुड लुक्स के लिए नहीं है, ये मैं अपने लिए करता हूँ। मतलब मैं इंडस्ट्री में आया भी नहीं था, उससे पहले से मैं हमेशा से, मतलब जब से मैं आई थिंक 15-16 साल का था, फिटनेस हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो अगर मैंने सुबह वाकई में अगर थोड़ा सा पसीना नहीं निकाला 1-1.5 घंटा, तो पूरा दिन भर थोड़ा सा, एक दिन ठीक है, दो दिन ठीक है, लेकिन तीसरे दिन ना मेरी बॉडी लैंग्वेज स्लो हो जाती है। तो वो करने से ना मुझे एनर्जी पूरे दिन में बरकरार रहती है, मैं अच्छे मूड में रहता हूँ, हेल्दी रहता हूँ, थॉट्स बहुत पॉजिटिव रहते हैं, और जब आपके थॉट्स पॉजिटिव हो ना तो सब हो जाता है। बाइक राइडिंग जो आपका हमें दिखता है, और वो एक, यू नो, बाइक वाला जो एक रोमांस ही अलग होता है, कॉलेज टाइम में लड़की को पीछे बिठा के घूमना है ना। यहाँ पे लड़की पीछे नहीं बैठती है, लड़की अपना बाइक पे आती है, मैं अपनी बाइक पे आता हूँ। हाँ, तो वो अलग है, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रोमांस है, क्योंकि हमारा रोमांस एक्चुअली मोटरबाइक्स पे है हम अलग अलग, लेकिन हमारे हेलमेट के अंदर हमने वो एक सिस्टम लगाया हुआ है जिससे हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से, इंटरकॉम सिस्टम जो होता है। तो हम पूरा, जैसे यहाँ से जाते हैं लोनावला जाके खाना खा के आ गए, तो रास्ते भर हमारी फिर गपशप चलती रहती है, वो देखो वो ट्रक जा रहा है, वो देखो देखो उसने क्या पहना है, वो ये कमेंट कर दिया, अरे देखना आगे स्पीड ब्रेकर है, अरे खड्डा है बचा के, तो वो पूरा टाइम चलता रहता है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक सिटिंग विद वन अदर बट ऑन डिफरेंट बाइक्स। तो ये अलग तरह का रोमांस है, अलग टाइप का। और
क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं विवेक जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और आपके एक्टिंग के अलावा आप मतलब स्पेशल टाइम निकाल लेते हैं उसके लिए? मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है और एडवेंचर जो थ्रिल देता है, जिसमें जान का थोड़ा सा जोखिम बना होता है। कहने का मतलब जैसे स्काई डाइविंग हो गया या बंजी जंपिंग हो गई, जो क्लोजर टू द एज वैसा वाला, यू नो, गोइंग एंड सिटिंग नेक्स्ट टू द एट द एज ऑफ द क्लिफ, मुझे ये सब में बहुत मज़ा आता है। खाली टाइम में जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम ट्रैवल करते हैं और हम ये सब करते हैं। दिव्यांका भी एज वी ऑल नो खतरों में उन्होंने बता ही दिया है, लोगों को लगता नहीं था पहले कि वो वैसी हैं, बट मुझे तो काफ़ी सालों से पता था। बट शी ऑल्सो लाइक्स एडवेंचर, शी इज़ जस्ट लाइक मी। खाली एक चीज़ है उनको जो पसंद है, जो मुझे नहीं पसंद, वो राइड्स, जो एम्यूजमेंट पार्क्स में जो राइड्स होती हैं वो उनको बहुत पसंद है। वो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कुछ थ्रिल है। ये थ्रिल नहीं है या डर लगता है? नहीं, डर नहीं है, वो थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग होती है, यू नो, मैंने वो रोलर कोस्टर बिल्कुल जैसा फ्लैट में नीचे जाता है वो, और ऑफ कोर्स यू आर लाइक कम्प्लीटली सेफ, ऐसा नहीं मुझे डर लगता है, बट इट्स नॉट समथिंग दैट आई एंजॉय। हाँ, जिसमें मैं खुद कुछ कर रहा हूँ, नॉट के मुझसे करवाया जा रहा है। और बॉलीवुड का क्या क्या ख्याल है? मतलब रियलिटी हो गया, शोज हो गया, फिल्में ऑफकोर्स की हैं, लेकिन और क्या क्या होने वाला है एक्साइटिंग जो हम देखेंगे बड़े पर्दे पर? देखिए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ झलक को लेकर, क्योंकि झलक पे बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, टीवी से आए हैं, जो जिन्होंने बड़े पर्दे पर बहुत नाम बनाया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा नाम भी उन नामों में शामिल हो, और उम्मीद करता हूँ के लोगों को मेरी जो ये जर्नी है ये पसंद आए, और कोई प्रोड्यूसर, कोई बड़ा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर झलक देखते देखते कहे यही है वो लड़का, इसी की हमें तलाश थी, करो इसको फ़ोन, कौन है इसका मैनेजर। सो और मुझे एक अच्छी सी बढ़िया सी फिल्म मिल जाए और फिर मेरी निकल पड़े। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी हो झलक के मंच पे। थैंक यू। ये बताइए, जो पैप्स और सोशल मीडिया का जो आप ट्रेंड देख रहे हैं, इसको किस तरह से आप? आई थिंक अगर लिमिट में किया जाए तो सब कुछ सही है, अगर थोड़ा सा आप एग्जैजरेशन, तो हर चीज़ की ख़राब होती है। तो मुझे लगता है आप किस तरह के इंसान है, आपके लिए वर्क करता है या नहीं करता है। मुझे लगता है कि टू ईच देयर ओन, जिसको जैसा सूट करता है। मैं और दिव्यांका थोड़े से शाय हैं इन चीज़ों को लेकर, और हम सोशल मीडिया में भी हम वो पोस्ट करते हैं जो हमें पसंद है, हम उसे ऑब्लिगेशन नहीं मानते हैं, या हम ऐसा नहीं सोचते हमारी एंगेजमेंट लो हो रही है या हमें लाइक्स या फॉलोइंग हमारी कम हो रही है, तो चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। जब दिल आता है तो करते हैं, नहीं दिल आता तो नहीं करते हैं। सो वी कीप इट सिंपल, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगते हैं इस चीज़ का, क्योंकि ऐसा भी हुआ है जब मैंने प्रेशर लिया है और मेरी उससे लाइफ अफेक्ट होने लग गई थी। मतलब मैं सुबह उठता था और सबसे पहले सोचता था कि आज क्या पोस्ट करूं, तो मुझे लगा कि आई एम बिकमिंग अ स्लेव टू सोशल मीडिया एंड आई एम नॉट लिविंग माय लाइफ एनीमोर। तो नाउ आई गो, आई ब्राउज, एंड जो मेरा टाइम स्पेंड है वो बहुत लो हो गया है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम। तो और मैं जी रहा हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, यू नो। तो और कि मुझे कोई, ऑफ कोर्स ये कैमरा है ठीक है, बट कोई पर्सनल मेरी वीडियो या मेरा एजेंडाज नहीं है कि अरे एक एंगल ये भी ले लेना मेरा, मैं जब चैट कर रहा हूँ तो मेरे फ़ोटोज़ ले लेना, मुझे डालना है, वो सब नहीं है। एंड आई कीप इट वेरी सिंपल एंड आई एन्जॉय दिस, जैसे हाउ थिंग्स वर बिफोर, यू नो। तो थोड़ा सा डेटेड है बट इट वर्क्स फॉर अस। लेटेस्ट रूमर जो आपने सुनी होगी और बहुत हंसी आई होगी? लेटेस्ट रूमर दैट दिव्यांका इज प्रेगनेंट, आई थिंक वो तो आती रहती है, हर महीने आती है। लेकिन उसके अलावा एक और बड़ी फनी वीडियो आई थी, जिसमें वो उन्होंने थोड़ा सा ऐसा मॉफिंग किया था और ऐसा बताया था कि दिव्यांका ने पता नहीं थप्पड़ मारा मुझे, कि मैंने मारा दिव्यांका को थप्पड़, और वो कि उनके बीच में हुई है बहुत गंदी टकरार और लड़ाई, और बहुत हंसे हम। मैंने जाके कमेंट भी किया था नीचे जाके कि यार तुम लोग कुछ तो शर्म कर लो यार, तुम क्लिकबेट के लिए कुछ भी करते हो, हाँ कुछ भी लिख देते हो। और वो उनको एक्चुअली उनको व्यूज़ भी बहुत सारे मिल गए, 25-30,000 व्यूज़ आ गए उनके विद इन अ फ्यू डेज़। सो दे आर गेटिंग व्हाट दे वांटेड, बट आई सेड यार दिस इज़ सो रॉन्ग, दिस इज़ सो अनएथिकल, बट आई मीन
आई विश दैट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी, सम सॉर्ट ऑफ सेंसरशिप दैट वुड प्रिवेल ओवर, कि हम लोग एक्चुअली सू कर सकते हैं ऐसे लोगों को कि गलत आप न्यूज़ फैला रहे हो, बट नहीं है तो नहीं है, अभी क्या कर सकते हैं। लास्टली जो मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैं तो भूल ही गया था, मैं भी भूल गया था आपसे बात करते करते। केक कटिंग हुआ और आज झलक के यहाँ पे, मतलब इतना अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। मुझे लगता है कि मुझे हर साल काम करने का मुझे लालच आ रहा है अभी, क्योंकि आज का दिन बहुत ही अच्छा गया है। मैंने सुबह अपनी रिहर्सल्स कंप्लीट की, फिर मैं रेडी हुआ, यहाँ पर आया, अब उसके बाद घर जाके मैं अपना फैमिली, मेरा सीन है, हम लोग डिनर पे जाएंगे, तो एक बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड डे, एंड दिस इज़ हाउ आई वुड लाइक इट। आई डोंट वॉन्ट टू टेक ऑफ डेज एंड यू नो, क्योंकि फिर आप वही होता है कि पूरा दिन आप फ़ोन कॉल्स ही अटेंड कर रहे हो, थैंक यू उसका भी अपना मज़ा है, क्योंकि उसका ये है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ आपका महीनों महीनों तक बात नहीं होती, उनके साथ कैचअप हो जाता है, बट ऑनेस्टली यू नो दिस इज ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।